Okay. Hi everyone. Good evening. क्या हाल चाल? कैसे हो? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. ग्रुप लिंक किसी प्लस क्लास में आने? That's the first time I'm attending your live class. You're very lucky here. Yeah? That's good. सबको मौका नहीं मिलता. ओके. सर जस्ट आया हूँ ऑफिस से, 4 घंटे सोया हूँ. बढ़िया, गुड. VRC का टारगेट बचा था, आपका टेस्ट आ गया, बाकी सारे टारगेट हो गए. बहुत बढ़िया, गुड. अच्छा कर रहे हो, दैट्स गुड, वेरी गुड. बट वो रात में क्विज खत्म करके तो टारगेट करके सोना, ठीक है? शुगर कम कर दिया, एनर्जेटिक फील हो रहा है. तो एनर्जी को कहीं यूज भी करना है, ठीक है? पढ़ाई करना उस एनर्जी के लिए. सर एनर्जेटिक फील हो रहा है, सर मजा आ रहा है बहुत, बाहर घूमने निकल गए, ठीक है? ऐसा नहीं करना, पढ़ाई भी करना है उससे. चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए फिर. लेट्स स्टार्ट दिस क्विज. मैंगो जूस पी के आया. आजकल ना जूस वाले को बोलना पड़ता है कि भाई शुगर कम डालो, पता है, शुगर मत डालो. आजकल तो जूस में पता है ऑटोमेटिक शुगर ना डाल देते हैं. नहीं भाई, जूस का मीनिंग क्या रहेगा यार? तो मेरे को पहले नहीं पता था, ये आजकल मैं देखना स्टार्ट किया मैंने. कैट में कनेक्ट करेंगे, सब कुछ मत सोचो, ठीक है? बस स्टार्ट किया जाए. चलिए 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. मैं आपको इस गेम के रूल्स बता दूं. तो 7 क्वेश्चन है हमारे पास, 21 मिनट्स मिलेगा, ठीक है? सो 21 मिनट्स, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास. ओके, 20 मिनट्स, 21 मिनट्स, 7 क्वेश्चंस. और इसकी पोलिंग, कंबाइंड पोलिंग करेंगे हम लोग. विल डू कंबाइंड पोलिंग, ठीक है? एट द 10:31 PM, 10:32 PM, ठीक है? अरे कर ले यार, मीटर रेस सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं. मीटर वो वाला जो किलो सो, इतना बड़ा इशू नहीं है. एम को माइल मान लो वहां पे, और क्या, यूनिट सब जगह सेम रहेगा. यूनिट यूनिट अलग नहीं रहता वहां कन्वर्ट करने के लिए.
या यहाँ पे लिख लो, मेरे को लगता है ना मैंने क्वेश्चन बनाया था, माइज बनाया था, यस करेक्ट, आई मेड दैट क्वेश्चन माइज, जस्ट राइट हियर, 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर्स, मैंने क्वेश्चन माइज बनाया था, फिर मैंने मीटर पे चेंज कर दिया, लिख लिया, आई मेंशन टू फॉल फॉरगॉट दैट, ओके, सो 1 माइल इक्वल टू 1600 मीटर होता है, फाइन। मैं माई मीटर में सोच रहा हूँ, एक मिनट वेट करना, ठीक है ना, जस्ट एक स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन टू गाइस, थोड़ा क्वेश्चन वन के लिए वेट करना, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये एम मैंने मिल लिखा कि माई में लिखा, क्वेश्चन टू पढ़ लो, क्वेश्चन टू थ्री, ओके, जस्ट चेक क्वेश्चन वन वंस, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ऑब्वियसली केजी मतलब होता है 1 केजी, 1 किलो, और क्या, ठीक है, रेस्ट इज फाइन, दैट्स 1 केजी, ऑब्वियसली रेस्ट इज फाइन, नाउ 1 इज फाइन, ओके, जस्ट मेक दैट 1 माइल रेस्ट इज इन मीटर, रेस्ट एम एम मीन्स मीटर्स, ओके,
ठीक है, क्वेश्चन 4 भी ठीक है, सारे क्वेश्चन सही हैं। ठंड लग रहा है यार, बैंगलोर में बहुत ठंड है। ऐसा नहीं लिखा हुआ जास का मल्टीपल, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तुमको एक्स का वैल्यू निकाला, जब भी तुम्हारा वो गेम स्टॉप हो जाएगा तभी एक्स आएगा ना यार। मैं लिखा हुआ है कि 1600, एज पर दिस इट विल टेक 1600 मीटर, वो मैंने अलग से मेंशन कर दिया है ना। ठंड है यहाँ पे यार, अच्छी खासी ठंड है। चलो पोलिंग का टाइम आ रहा है, ऑब्वियसली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ केजी लिखा हुआ है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। बैंगलोर इज बैंगलोर,
पांच ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, मार्क करना है आपको। कौन जितना भी हो, चलो फर्स्ट की पोलिंग की जाए। फर्स्ट की पोलिंग में स्टार्ट। सेकंड की पोलिंग, थर्ड की पोलिंग, फोर्थ की पोलिंग, फिफ्थ लिंक, सिक्स्थ की पोलिंग, मुझे सिक्स ऑप्शन ही लिया मैंने। ऐसे कैसे?
कितना बोले हो गया, फिफ्थ सिक्स किए ना हम लोग यार अभी, डिड सिक्स क्वेश्चन ना, सेवेंथ कर लो। कैसा रहा क्विज का एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा। अभिषेक हैज डन 7x7, दिव्यंदु 7x7, जैन 6, तेजस्विन 6, अनिरुद्ध 6, प्रवीश, प्रयुष, मयंक, आदित्य, देवज्योति, कुणाल। फिर नो लड़कियां, वेयर आर द गर्ल्स? प्लस वाला पोल का टाइप हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्विज था, इट वाज अ गुड क्विज। और इसमें जो लास्ट का टू क्वेश्चंस था, मैं जानबूझकर ऐसा रखा था कि लास्ट का टू क्वेश्चन वर द इजिएस्ट ऑफ द लॉट। ओके, तो तुम लोग वंस जो अटेम्प्ट करते हो ना वो मुझे खत्म करना है। सो लास्ट का टू क्वेश्चन वर द इजिएस्ट ऑफ द लॉट। ठीक है, देखो धीरे धीरे, ठीक है? तो एक आराम से, धीरे 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 धीरे। पहले देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी, एक तो देखो दो तीन चीज होता है प्रिपरेशन में ना, हम लोग बहुत ऐसे वैसे फील करते रहते हैं। जब भी मॉक दो, जब भी क्विज दो, जब भी कोई टेस्ट दो, ठीक है, तो पहले टेस्ट दे के ना, पहले उस वो काम करके पहले हमेशा क्या किया जाता है, फील गुड। ठीक है कि भाई हम आए तो हैं टेस्ट देने के लिए, जिम में पहले 1 घंटा करके, वो जो जिम आए तो है, पहले जिम में 1 घंटा एक्सरसाइज तो किए, पहले फील गुड। ठीक है कि वी आर वर्किंग वन स्टेप टुवर्ड्स समथिंग गुड। ठीक है, हमेशा पहले फील गुड, उसके बाद बाकी चीजें हैं कि सर मेरा ये वीक है, ये वीक है। और उसके बाद जब अब ये तुम्हें क्या आया, तुमने लिया है वन स्टेप टुवर्ड्स राइट ट्रैक। अब जब तुम राइट ट्रैक पे हो ना, तो अपने आप धीरे धीरे चीजें सही होती जाएंगी। ठीक है, तो भाई तुम स्लोली बढ़ोगे, बट यू टुवर्ड्स योर दैट, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, मंजिल है। ठीक है, तो अब तुमको अपना वीकनेस को एनालाइज करना है। अब वीकनेस यहां से कुछ भी आ सकता है, राइट? तो योर वीकनेसेस कैन बी कि फर्स्ट थिंग सर टाइमर हो सकता है वीकनेस, कि सर टाइम में नहीं हो पाया क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड थिंग इज आपका हो सकता है वीकनेस की चैप्टर्स निकल के आए, कि सर थोड़ा जंग्ड फील हो रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, थर्ड वीकनेस कुड बी कि सर हो सकता है टीएचडी का क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर रहा। ठीक है, या थोड़ा मेरा क्या क्वेश्चन, ठीक है, ये सब चीजें, ये सब वीकनेस हो सकती है, राइट? तो ऐसे ही वीकनेसेस निकल के आती हैं। और ये वीकनेसेस, इसलिए मैं अभी ये सब चीजें ले रहा हूं क्योंकि अभी इन वीकनेसेस पे काम करने के लिए एप्ट टाइम है। वी हैव मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स क्या, इनफैक्ट 4 महीने है। तो अभी क्या है ना कि अभी जो वीकनेसेस निकल के आएगा, इस पे काम करने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, राइट? अब बोलोगे सर नवंबर में वीकनेस निकल के आएगा, तो नवंबर में कोई फायदा ही नहीं है काम करने उसके बाद, तो है ना? तो इसलिए अभी टाइम बहुत है हमारे पास, अभी मॉक्स दीजिए, टेस्ट दीजिए, जंप इनटू दी, थोड़ा हीट फील होगा। ठीक है, जंप इनटू द फायर, थोड़ा हीट फील होता है उतरने पे, बट दैट हीट फील इज समथिंग फॉर गुड। ठीक है, वो बाद में आगे अच्छा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चैप्टर का पता भी नहीं होना चाहिए। कैट में तो वैसे भी आएगा नहीं, तो सर
कैट में चाहिए क्वेश्चन नंबर से आ गया, तो वो ऐसे नहीं पता चलेगा कि कैट में कहाँ से क्वेश्चन है, चैप्टर नहीं पता होना चाहिए हमें। चलिए चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग, स्टार्ट किया जाए। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पे, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन अ 1 माइल रेस, दैट 1 माइल में लिखा हुआ है 69 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। सो इन अ 1 माइल रेस, ठीक है आ जाएगा, मैंने बोला तो आ जाएगा, देखना शेड्यूल में, कल देखना, कल मॉर्निंग में या परस कल इवनिंग में ऐसा करके। ओके तो इन अ 1 माइल रेस अर्जुन कैन बी गिवन अ हेड स्टार्ट ऑफ 240 मीटर बाय भीष्म, राइट। तो ये यहाँ पे क्या बोला, तो ये ना बेसिकली आपका जो रेस ही है ये आपका रेस 1 माइल का, राइट। मतलब 1600 मीटर से हम स्टार्ट करेंगे सोचना, ठीक है। और हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, आप आराम से ये कर 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 करके आप निकालोगे अपने रेशियो से निकालोगे और क्या। तो लोगे यहाँ पे क्या है लिखा है कि मतलब अर्जुन कैन बी गिवन अ हेड हेड स्टार्ट ऑफ 240 मीटर बाय भीष्म। इस वर्ड इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि अर्जुन कैन बी गिवन हेड स्टार्ट, मतलब इससे ज्यादा अगर हेड स्टार्ट मिलेगा अर्जुन को तो अर्जुन जीत जाएगा, है ना। तो हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी को आगे भेज रहे हो, राइट। यू आर सेंडिंग समबडी कि जो आप जैसा मान लो ना तुम एक बच्चे से रेस कर रहे हो, होता है ना, जैसा मान लो कि बच्चे बच्चे से रेस कर रहे हैं, तो तुम क्या जीतोगे, थोड़ा आगे, तुम आगे थोड़ा आगे से स्टार्ट करो, तो उसको उतना ही आगे भेजेंगे जितना आगे में वो जीते नहीं, ठीक है ना। अब बहुत आगे भेजेंगे खुद आ जाएंगे तो फायदा नहीं है ना, वो स्मार्ट बन रहे थे। तो ये वाला कहानी यहाँ पे भी है कि इन अ 1 माइल रेस अर्जुन कैन बी गिवन अ हेड स्टार्ट ऑफ 240 मीटर बाय भीष्म, दैट मींस इतना तक दे सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। मतलब जितने टाइम में भीष्म जो है वो अपना 1600 मीटर का रेस कवर खत्म करेगा, ठीक है, उतने टाइम में अर्जुन कितना कवर करेगा, 1360 मीटर, 240 मीटर उसने हरा दिया, ठीक है, करेक्ट। डेड हिट साइलेंट है, साइलेंट नहीं है, हाँ साइलेंट है एक तरह से, ठीक है। तो तुम बोलोगे बी ने 1600 मीटर किया तो ए ने 1360 मीटर किया, ठीक है, और आपका रेस खत्म होगा। तो रेस कितने का था, रेस था यहाँ पे 1600 मीटर का रेस था, राइट। सो अर्जुन ने भीष्म ने यहां से स्टार्ट किया एंड भीष्म कवर 1600 मीटर, अर्जुन को आगे भेज दिया उन्होंने, अर्जुन ने यहां से स्टार्ट किया एंड अर्जुन कवर्ड 1360 मीटर एंड बोथ फिनिश्ड एट द सेम टाइम, दैट्स द मीनिंग ऑफ कैन बी गिवन, इतना तक का दे सकते हैं, ओके। तो आप बोलोगे यहां से इनके मेरे को रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, तो स्पीड ऑफ भीष्म बाय स्पीड ऑफ अर्जुन का रेशियो क्या हो जाएगा, कटेगा ना 160/36, कितना से कटेगा, 17, बोलोगे 20/17 आ जाएगा, है ना, 8 से कट जाएगा। तो बोलोगे भीष्म और अर्जुन के स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 20/17 हो गया, फाइन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है कि 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 इफ भीष्म कैन गिव करना अ हेड स्टार्ट ऑफ 25 मीटर इन 200 मीटर रेट रेस, मतलब जितने टाइम में भीष्म ने कवर किया 200 मीटर उतने टाइम में कर्ण कितना कवर करेगा, कर्ण विल कवर 175 मीटर, तो इनके स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे इनके स्पीड का रेशियो इज 8/7, है ना, तो मैं बोलूंगा यहाँ से कि स्पीड ऑफ भीष्म बाय स्पीड ऑफ करण का रेशियो कितना होगा, 8/7, और क्योंकि टाइम कांस्टेंट है इनके डिस्टेंस का रेशियो भी हो गया, तो आप यहाँ पे भीष्म अर्जुन और करण का 7वां रेशियो निकाल सकते हो ना, कि भीष्म कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो जाएगा, तुम निकालोगे कि भीष्म ने कवर किया 20 तो अर्जुन ने कवर किया 17 और इसने कवर किया कितना, जब भीष्म ने कवर किया 8 तो अर्जुन ने कर्ण ने कर कवर किया 7, तो सेम कर लेते हैं, 20 और 8 को कैसे सेम करोगे आप, बोलोगे ये 20 वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 40 बन जाएगा, और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ये भी 40 बन जाएगा, है ना, क्योंकि भीष्म तो सेम होना चाहिए, सेम पर्सन है, दो अलग रेशियो क्यों होगा इसका। मतलब बोलोगे मतलब भीष्म का रेशियो कितना हो गया, भीष्म का हो गया 40, 22 जा 40, 17 2 जा 34, और करण का कितना हो गया, 75 जा 35 हो गया, करेक्ट, इतना निकल गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनके डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे क्या सवाल पूछा जा रहा है हमसे, दे आर आस्किंग दैट हु आउट ऑफ अर्जुन एंड करण विल विन अ रेस ऑफ 7 माइल्स एंड व्हाट विल बी द फाइनल लीड टेकन बाय विनर ओवर द लूजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि कितना अर्जुन और करण ना, ओके तो देखो यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि जितने टाइम में, अब हम ये बोल सकते हैं कि जितने टाइम में करण ने 35 मीटर रेस का कवर किया होगा, उत इन द सेम टाइम अर्जुन विल कवर 34 मीटर,
मतलब मीटर हो चाहे माइल्स हो, रेशियो है ना, इट्स अ रेशियो राइट। तो यूनिट तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो लोग मीटर हो चाहे 34 यूनिट्स से 35 मिनट्स, तो जितने टाइम में 35 कवर करेगा अर्जुन विल कवर 34 ईयर, यह दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ व्हाट दे आर सेइंग एक्स्ट्रा फ्रॉम हियर इज, ये लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर 7 माइल्स का रेस है तो ऑब्वियसली करण जीतेगा ना, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। तो वो लोग जितने टाइम में करण कवर करेगा 7 माइल्स, तो 35 मीटर के रेस में वो अर्जुन को, या ऐसे यूनिट लिख लो इसको, बोलो 35 यूनिट्स का अगर रेस है, वुड बी मीटर और माइल्स राइट। जितने टाइम में करण ने 35 यूनिट्स कवर किया है, अर्जुन ने 34 यूनिट्स कवर किया है, ठीक है। तो जितने टाइम में अर्जुन ने अगर 35 यूनिट का रेस होगा, तो करण कैन बीट अर्जुन बाई 1 यूनिट, है ना। अगर 35 यूनिट का रेस होगा तो करण अर्जुन को 1 यूनिट से हरा देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर 7 माइल्स का रेस होगा तो कितने से हराएगा, तो अगर 7 माइल्स का रेस होगा तो 35 के रेस में 1 यूनिट से, तो 7 माइल के रेस में कितना कितना 35 के रेस में 1 यूनिट, तो 1 के रेस में कितना, देखो 35 यूनिट के रेस में 1 से हरा रहा है, तो 1 के रेस में 1/35, तो 7 यूनिट मेजर करो ना यार, तो 7 माइल के रेस में कितना होगा, 7 माइल के रेस में 7/35, दैट मीन्स 1/5, ठीक है। तो 1/5 माइल्स, दैट शुड बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। दिस क्लियर एवरीवन, बताओ। पक्का सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। कुछ भी यूनिट मतलब क्या होता है, मीटर चाहे माइल्स हो, चाहे वो 35 कवर करेगा तो 34 कवर करेगा, वो मीटर हो चाहे माइल्स हो, यूनिट है ना वो, रेशियो है स्पीड का। ठीक है आगे बढ़े, लिखा था बता, लास्ट पार्ट इसे रिमूव करता, लास्ट पार्ट यही था और क्या। करंट 35 के रेस में अर्जुन 34 कवर कर रहा है, तो जब 35 यूनिट का रेस होगा तो अर्जुन करण अर्जुन को 1 यूनिट से हराएगा, तो जब 7 माइल्स का रेस होगा कितने से हराएगा, 35 के रेस में 1 से, तो 1 के रेस में 1/35, 7 के रेस में 7/35, दैट इज 1/5, है ना करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या है, हाँ कर लेंगे, पता नहीं आज ही ऐसा नहीं कर पाएंगे, अब मान लो टाइम लग गया तो फिर अगले क्लास में करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन टू क्या है, क्योंकि अगले क्लास शेड्यूल है LRDI की। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दी टू हॉर्सेस ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन अ सर्कल एट द सेम टाइम with a moving in the clockwise direction and b moving in the anti-clockwise direction, ठीक है। तो दो horses हैं यहाँ पे, second की polling गलत हुई है, हो रहा है जी, कितना आंसर आ रहा है second का, तुम लोग कितना आया, 240, और देखते हैं, मैंने solve किया है question यार ये वाला। टेस्ट के बारे में क्वेश्चन भले क्लास के बारे में हर बार नहीं कर पाऊँ, बट टेस्ट के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एक बार, क्योंकि तो लोग पोल में गलत करके जान ले लो मेरा, हो सकता कुछ, हो सकता है देखते हैं, हो सकता कुछ मिस्टेक हो गया। 320 आया ना, चलो किसी का आया 320, बहुत बढ़िया, और देखते हैं। देखो टू गेट क्वेश्चन टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत बढ़िया गुड तेजस्विन, हारेगा तो अगर गलत हो जाते तो हम दोनों का गलत होगा, दोनों को ही शेयर करेंगे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देखो तो हमारा यहाँ बेसिकली कितना है, तो बोलोगे एक टू हॉर्स है यहाँ पे, ए और बी ने स्टार्ट किया पॉइंट एक्स ऑन सर्कल एट द सेम टाइम विद ए मूविंग इन द क्लॉक डायरेक्शन एंड बी मूविंग इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन राइट। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है, एक्स से कोई पॉइंट से स्टार्ट किया, ए मूव कर रहा है क्लॉक डायरेक्शन में, लिख लोगे यहाँ पे, मान लो एक्स से स्टार्ट किया, ए मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में और बी मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। ये देखते हैं, तो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ए मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में, बी मूव कर रहा है एंटी क्लॉक। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है ना,
देखो लिखा दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 4 PM, ये लोग पहली बार मिल रहे हैं 4 PM पे, राइट? तो इफ दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट 4 PM, इसका क्या मतलब है? और ए हैज कवर्ड 80% ऑफ द ट्रैक, तो कहीं यहाँ पे मिले होंगे ये लोग। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अलग अलग बना लू, ये तुम्हारा ए है, तुम्हारा बी है, तो ए ने ट्रैक का 80% कवर कर लिया, ठीक है? तो ए ने क्या किया, ट्रैक का 80% कवर कर लिया, और बी ने इस ट्रैक का 20% कवर किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और कब मिले ये लोग यहाँ पे? 4 PM पे मिले हैं। कब मिले यहाँ पे? दे हैव मेट एट 4 PM, बोलो सही है ये सिचुएशन, है ना? दे हैव मेट एट 4 PM हियर, ओके, व्हेन ए हैज कवर्ड 80% ऑफ द ट्रैक, ओके, ये लिखा हुआ है आपका। तो देखो यहाँ पे ना, सिंपल, यहाँ पे सिंपल सा हमें यहाँ पे क्या सोचना है, ओके, रात में, ओके, तो हमें यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या सोचना होगा कि जब तुम्हारा ये 20% कवर हुआ तो इसने ये 80 कवर किया, राइट? तो अब ये चार, ये एग्जैक्टली 4 बजे हुआ, तो आप यहाँ पे ये सोचोगे ना कि जितना भी टाइम इसको 20% कवर करने में लगा, हमें वैसे निकालना क्या है, हमें हमें यहाँ पे ये निकालना है कि If A returns to X at 4:40 PM, तो यहाँ लिखा हुआ है If A returns to X at 4:40 PM, तो मतलब A ने जो है, A ने ये जो 20% मान लो ये A है ना, तो बोलो ये जो 20% डिस्टेंस है, ये पहुंचा यहाँ 4 PM पे, और ये कहाँ पहुंचा यहाँ पे, और ये पहुंचा यहाँ पे 4:40 PM में पहुंचा, है ना? तो 4 PM से लेके 4:40 PM, ओके, 4:40 PM, करेक्ट, 4:40 PM, ओके। तो देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया 4 बजे से, तो बोलोगे सर ए ने, ए अभी यहाँ पे था, तो बोलोगे सर ए ने 40 मिनट्स में ट्रैक का 20% कवर किया है, बोलो, ए ने 40 मिनट्स में ट्रैक का 20% कवर किया है, क्योंकि 20% ही डिस्टेंस बचा हुआ था, राइट? तो आप बोलोगे अगर ए 40 मिनट में ट्रैक का 20% कर रहा है, तो ए ट्रैक का 80% कितना देर में करेगा? ए अगर ट्रैक का 20% 40 मिनट्स में कर रहा है, तो ए 80% कितना देर में करेगा, बोलोगे 160 मिनट्स में, है ना? बोलो, सिंपल है यहां तक। मैंने क्या बोला कि अगर ए 4 बजे तक यहां पहुंचा एंड 4:40 में ए यहां पहुंच गया, तो 40 मिनट्स में ए इस ट्रैक का 20% कवर कर रहा है, राइट? तो मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब है कि 80% कितने देर कवर करेगा, तो बोलोगे 20% 40 मिनट में, तो 80% 160 मिनट में, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ए, अब ये जो पार्ट ए ने कवर किया था, तो ए यहां पहुंचा था 4 बजे, ठीक है? तो ए ने स्टार्ट कब किया होगा, तो बोलोगे 160 मिनट लगा होगा ए को यहां से यहां आने में, बोलो लगा होगा ना, ए को लगा होगा यहां पे यहां आने में, ए को कितना टाइम लगा होगा, ए मच 160 मिनट, बोलो हमें करेक्ट, को बार बार डिस्टरबेंस दे रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट यार, ने मेरे को ना, मेरे बार बार एरो, अभी ठीक है,
अरे क्या कर रहा है, बार बार एरो ऐसे नीचे कर रहा हूँ ना स्क्रीन से, नीचे नीचे टैबलेट में चला रहा है माउस, तो बड़ा इरिटेशन हो रहा है, फिर से ऊपर करना पड़ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। अब ठीक, ऑल फाइन, ठीक। हाँ ठीक, देखो कहाँ पे थे हम लोग। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट, देखो व्हाट आई वाज सेइंग दैट यहाँ पे, कि आपका ये जो जब इसने ट्रैक का 20% कवर है, टाइम है ठीक है, अभी करते हैं ना 5 मिनट में, देखो ना। तो जब इसने ट्रैक का 20% कवर किया, तो आप बोलोगे इसने ट्रैक का कितना कवर किया, इसने ट्रैक का 80 कवर किया, तो 40 का 160 हो गया, और 20 का 80, मतलब जैसे आपका 20 से 80 हो, तो 40 का 160 हो गया। ये पहला पार्ट है। अब समझोगे यहाँ पे कि बी के साथ क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि ए को सर जैसा कुछ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, कि ए को यहां से यहां पहुंचने में 160 मिनट्स लग गया। दोनों साथ में स्टार्ट किया था ना, बोलो यस और नो। दोनों साथ में स्टार्ट किया था, तो कहने का मतलब ये है कि फिर बी को भी ये डिस्टेंस कवर करने में उतना ही टाइम लगा होगा। बोलोगे सर बी को भी इतना डिस्टेंस कवर करने में 160 मिनट ही लगा होगा। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एक ए ने 80% कवर किया 160 मिनट में, तो बी धीरे धीरे उतने ही टाइम बाद आया होगा। तो बोलोगे बी जो है वो ट्रैक का 20%, अगर वन बी जो है वो ट्रैक का 20% 160 मिनट से कवर कर सकता है, ठीक है। तो बी के लिए कितना बचा है, तो बी के लिए कितना बचा है अभी। बोलोगे सर बी के लिए अभी 80% बचा हुआ है ना, बी के लिए कितना बचा है अभी, 80% बचा हुआ है। तो बोलोगे बी 80% कितने देर में कवर करेगा, तो बी 80% करेगा 160 × 4, तो 160 × 4 विल बी 640 मिनट्स। कितना 640 ना, तो 640 बेसिकली कितना हो गया था टोटल। अभी ये लोग कब मिले थे, तो देव अब बी ने ट्रैक का 80% कवर किया, ठीक है। तो बी यहाँ पे कब आएगा, तो बोलोगे बी अभी इस पॉइंट पे 4:04 बजे है ना, 4:40 में, राइट। बी ने बी को ट्रैक का 80, बी को हमें निकालना क्या है, व्हाट आई एम सपोज टू कैलकुलेट हियर इन दिस क्वेश्चन, वी आर सपोज टू कैलकुलेट बी एक्स को कब आएगा। ओके, व्हेन व्हेन बी विल बी एट एक्स, राइट। तो बी अगर एक्स को आएगा तो कितना कवर करेगा, अच्छा ओके ओके, 4 PM से 10:640 आएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, दैट्स करेक्ट, मैंने 4:40 से ले लिया एक्चुअली, दैट्स अ मिस्टेक आई डिड, ठीक है। 4 PM से 6:40 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 4 PM प्लस 10 आवर्स 40 मिनट्स, दैट इज 2:40 हो जाएगा, है ना। 4:40 से स्टार्ट करते तब जाके लगता टाइम, पर फॉरवर्ड स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स करेक्ट। तब तो कोई जो सही में सही लोग थे वो सही में सही नहीं होगा वहां पे। 440 क्यों लेंगे, लिखा हुआ है कि बी कब रिटर्न करेगा एक्स पे, तो बी के लिए ट्रैक का 80% बचा है ना यार, तो 4 बजे तक बी यहां पहुंचा था ना, तुमको तो 4 बजे के बाद लेना पड़ेगा ना, आई थिंक सही है ना। एनी डाउट इन दिस, कोई ठीक ही बोल रहा हूँ, 80% मोर, राइट। तो 4 बजे के बाद 6, हाँ ठीक तो है, ठीक ही करेक्ट। हाँ ठीक है, चलो हिसाब कर लेते हैं आज, कोई बात नहीं, ठीक है हिसाब कर ही लेते हैं। एक काम करना, जितना मेरे से आज एक गलती हुई है, लोग अपनी गलती कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हर गलती पे 50 रुपए करते हैं, तो मान लो मेरे से मान लो दो, एक परसों गलती, दो गलती मेरे से, 100 रुपये मेरा बनता है, और तो अपना पोल कैलकुलेट कर लेना, तो सब कोई ना अपना काट के भेज देना गूगल पे, आज हिसाब क्लियर कर लेते हैं आज का, आज ठीक है।
आज का आज ही मान लो तुमसे 100 गलती हो गई, तुम 50 × 100 5,000, उसमें 100 रुपये मेरे काट लेना, तो 4,500 गूगल पे कर देना, 4,900। ठीक है, तो आज का आज हिसाब की क्लियर हो जाएगा आज। ऐसे गलती दोनों साइड होना चाहिए ना, ठीक है, तुम्हारी गलती मेरी भी गलती, ओके। नहीं, आज कर लेना हिसाब क्लियर, मुझे भी आज क्लियर करना है। मैं अपना अपना पे कर रहा हूँ, मैं बोलते ना मैं पे कर रहा हूँ, चलो भैया मैं वापस पे करूंगा 100 रुपये सबको, मेरी गलती है। आई अप्लाई आई आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं 100 रुपये तुम्हें गूगल पे करूंगा, 100 रुपये, ठीक है, अपने वाले भेज देना। लेकिन चलो यार टाइम तो है नहीं, चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, अगले साथ 7 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता, 6 ही क्वेश्चन करना चाहिए था, 6 ही क्वेश्चन सही रहता है, 7 क्वेश्चन ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, फिर सॉल्व एक और क्लास रखेंगे जो उसमें क्लियर करते हैं। एलईडी है ना हम लोग को, तो क्वेश्चन विल डू क्लास, ठीक है, क्यों कैंसिल कर ले, कैंसिल क्यों करना है, व्हाई डू यू व्हाट व्हाट, तुमको कैंसिल क्यों करना है, करते हैं ना। सेकंड थर्ड बता दे फटाफट, थर्ड क्या है, 11 boxes is 49 kg, ठीक है, वेयर द वेट ऑफ ईच बॉक्स इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ केजी, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ बॉक्सेस ऑफ द सेम वेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तुमको मिनिमाइज करना है सेम पॉसिबल वेट को, तो आप क्या बोलोगे ना, अगर 11 boxes है मेरे पास तो सब में मैक्सिमम वेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग 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 कितना कर सकते हो बताओ, तो अलग अलग कितना कर सकते हो, बोलोगे सर अलग अलग हम कर सकते हैं 9 तक, क्योंकि 1 से लेके 9 तक का सम कितना हो जाएगा, 1 से लेके 9 तक का सम 45 kg, इसलिए 10 तक 55 हो जाएगा, टोटल 49 kg मेरे पास, सो वी हैव गॉट ओनली 49 kg वी हैव गॉट हियर। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ, जो आपने यहाँ जैसे 45 kg लिखा ना ये वाला, तो अब जैसे इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि ये जो तुम्हारा 45 kg है, अब तो तुम्हारा यहाँ पे 9 boxes हो गए, तो box 1, box 2 से लेके box 9 तक हो गया। ठीक है, अब box 10 और box 11 बचा है, तुमको मिनिमम नंबर में सेम वेट डालना है, तो तुम क्या करोगे, एक में एक डाल दोगे और एक में तीन डाल दोगे, है ना, 4 kg बचा हुआ है, राइट, एक में एक डाल दो, एक में तीन डाल दोगे, तो क्या होगा, उससे 2 box में हो जाएगा 1 kg और 2 box में हो जाएगा 3 kg, तो मैक्स मिनिमम 2 box है जिसमें सेम हो सकता है। ठीक है, तो 2 इज द आंसर, इसका आंसर 2 था, ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर जहां पे सेम वेट्स हो सकता है। ठीक है, तो 2 boxes इज द आंसर, कॉमन सेंस क्वेश्चन था, 2 boxes में 1, 2 boxes में 3, ओके। अरे ऐसे कितने पेयर्स ऑफ बॉक्सेस हैं, कितने नंबर्स ऑफ बॉक्सेस हैं जिसमें तुम्हारा सेम हो सकता है, क्वेश्चन समझ पड़े ना क्या था, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, तो कितने पेयर बने, 2 पेयर बने ना, ठीक है, एक पेयर बना 1 1 kg का, तो एक बना 1 1 kg का, एक पेयर 3 3 kg का, तो एक ही दो डालेंगे तो 3 box हो जाएगा ना, अगर दो दो डाल देंगे तो फिर 2 का 3 box हो जाएगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे 2 का फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पे तुम्हारे पास 3 box बन जाएगा 2 का। ठीक है, ए लेट हो गया, लेट हो गया, चलो नेक्स्ट एलआरडी।